नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। आखिरकार लॉकडाउन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला कर दिया है। 1,70,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा कर दी है। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अगले 3 महीने तक आपको क्या क्या फ्री मिलेगा और क्या क्या योजनाएं जो है सरकार आपके लिए लेकर आई है। महिला जनधन खाता धारकों को 500 रुपए, जी हाँ 500 रुपए महीना मिलेगा। 20 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। गरीबों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा। पहले 3 किलो था और अब प्रति व्यक्ति 5 किलो मिलेगा, जिसमें 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मुफ्त भी मिलेगी। दाल इन सबसे हटकर है। 80 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा। गरीबों को 3 सिलेंडर 3 महीने तक मुफ्त मिलेंगे। जी हाँ, 8 करोड़ घरों को मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे। बुजुर्गों को 1,000 रुपए 1 महीने में पेंशन मिलेगी, जो सीधे उनके खाते में जाएगी। मनरेगा के तहत जो मजदूरी है वो बढ़ गई है। पहले 182 रुपए थी, अब 202 रुपए हो चुकी है। महिला जनधन खाता धारकों को 500 रुपए मिलेंगे, जिसका फायदा 20 करोड़ महिलाओं को मिलने वाला है। यानी कि बड़ा जैकपॉट सरकार ने दे दिया है। जिस तरीके से टेंशन थी, अब वो टेंशन दूर होती नजर आ रही है। यानी कि सरकार ने जो फैसला उठाया बेहद ही शानदार है। 1,000 रुपए जो है वो बुजुर्गों को मिलेंगे और इससे बड़ा फायदा होगा। आइए इसी पर अपने सहयोगी मोनिका से हम बातचीत करते हैं कि आखिरकार और क्या कुछ है वो बारीकियां हमें बताएंगी। मोनिका, और क्या कुछ फ्री मिलने वाला है और किस तरह से जनता को अब राहत मिलेगी? जी नवीन जी, मैं आपको बता दूं कि ये सरकार की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा बूस्टर पैकेज है जो हमारी जनता को राहत देगा। आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को 3 महीने तक फ्री सिलेंडर मिलेगा। ये सबसे बड़ी योजना है, क्योंकि जनता को ये भी फिक्र है कि अगर वो घर में लॉकडाउन है उनका गुजारा भत्ता कैसे चलेगा। तो सरकार ने इस तरफ पूरा ध्यान दिया है। आपको बता दूं कि 20 करोड़ महिलाओं के खाते में अगले 3 महीने तक 500 रुपए हर महीने दी जाएंगे और ये रकम उनके जनधन खाते में दी जाएगी। यानी कि अब तक जो लोग ये कह रहे थे कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ लॉकडाउन करके छोड़ दिया गया है, अगर कोरोना से नहीं तो भूख से लोग मर जाएंगे, क्या अब उन लोगों को राहत मिलने वाली है? जी नवीन जी सर, मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्री ने ये भी बताया है कि कोई भी गरीब भूखा न रहे, इसके लिए सरकार ने पूरे इंतजाम कर दिए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत 5 किलो चावल गेहूं अगले 3 महीने तक देने का फैसला किया है। यानी कि जो घरों में बैठे हैं, जो गरीब हैं, दिहाड़ी मजदूर करने वाले हैं, उनको 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा 1 किलो जी, आपका बहुत धन्यवाद, आप बने रहिए। लेकिन अभी हम दिखाते हैं कि सरकार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की वित्त मंत्रालय की ओर से, और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखा देते हैं। जहाँ देश में गरीब परिवार की महिला कभी सपना भी नहीं लेती थी कि उसके पास रसोई गैस का सिलेंडर होगा, धुएं से उसको परेशान होना पड़ता था, लकड़ी इकट्ठी करनी पड़ती थी, पहले 8 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध आदरणीय मोदी जी ने करवाया। और जब ये हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही हैं, तो उनको चिंता मुक्त करना हमारी पहली प्राथमिकता बन जाती है। एक और उनके खाते में 3 महीनों तक लगातार 500 रुपए हम डालेंगे। तो वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर बोल रहे थे, निर्मला सीतारमण भी उनके बगल में थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लगभग आधा घंटे से ज्यादा चली, तमाम चीजों की घोषणाएं की, 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया और साफ तौर पर देश में जो दिक्कतें थी अब उससे दूर हो जाएंगी। और आपको बता दें कि 20 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलने वाला है, क्योंकि प्रति महीने 500 रुपए महीना जो है उनके अकाउंट में जाएंगे। 1,000 बुजुर्गों को मिलेंगे, 2,000 रुपए जो है किसानों को मिलेंगे। किसानों के बारे में बातचीत करते हैं मोनिका से कि किसानों को क्या कुछ मिलने वाला है। मोनिका, किसानों के लिए क्या कुछ है? जी नवीन जी, मैं आपको बता दूं कि लगभग 8.5 करोड़ किसानों को अप्रैल के पहले हफ्ते में 2,000 रुपए की किस्त डाल दी जाएगी। ये किस्त किसान सम्मान निधि के योजना के तहत दी जा रही है। आपको बता दें कि किसानों को सालाना 6,000 रुपए का ऐलान किया गया था कि 6,000 रुपए सालाना उनको दिए जाएंगे, तो उसके तहत जो दूसरी किस्त है वो अब अप्रैल के पहले हफ्ते में डाल दी जाएगी। जी हाँ, अप्रैल के पहले हफ्ते में डाल दी जाएगी। और सिलेंडर की बात भी आपको बता दूं कि 3 महीने तक 3 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। क्या पूरी तरह से मुफ्त होंगे, इनका कोई पैसा नहीं देना होगा? जी नवीन जी, ये
वैसे तो मैं आपको बता दूं कि वैसे सरकार के लिए सबसे बड़ा मतलब ऐलान किया गया सरकार की तरफ से, तो ये फ्री होंगे, घर बैठे आपको मिलेंगी। जैसे यूपी में भी योगी सरकार ने ऐलान किया है कि घर घर आपको सभी बेसिक जो नीड्स है, आपकी जरूरतों का जो सामान है, वो आपको घर घर पहुंचाया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि सरकार जो है हर संभव प्रयास कर रही है जनता किसी तरह हमारी जो जनता परेशानी में ना रहे। चलिए बहुत शुक्रिया मोनिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया, 1,70,000 करोड़ का पैकेज की घोषणा की है और अब देखना होगा जनता तक कब तक ये पहुंचनी शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि घरों में बंद होकर क्या करेंगे, खाएंगे कैसे। आप इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको ये पता चल जाए कि क्या क्या चीजें मुफ्त मिलने वाली हैं और किस तरह से उनका लाभ उठाना है। और एडवांस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।